अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज। जी नाज़रीन, कराची तारिक रोड बहादुराबाद में मशहूर और मारूफ हनफिया मीट मास्टर चटपटे खानों का आला मरकज 132 सालों से कराची शहर में कायम। ईद कुर्बान के मौके पर आवाम का हनफिया मीट मास्टर पर भरपूर रश देखने में आया। लोगों ने चांदरा से ही बुकिंग करवा दी। कस्टमर अपना मनपसंद गोश्त लेकर हनफिया मीट मास्टर के जायके के लिए ईद के तीनों दिन लाइन में खड़े रहे और लजीज चटपटे जायके से लुत्फ़अंदोज होते रहे। सुनते हैं हनफिया के ऑनर सादिक इलाही से कुछ जायके की बातें, जाइएगा मत। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तारिक रोड पर हनफिया मीट मास्टर पर, जहां जायकेदार गोश्त जो है तैयार किया जा रहा है पहले रोज़ से, और बल्कि पहले रोज़ से नहीं, इससे पहले भी यहां पर जो है ना माशाल्लाह काम जारी है। मसालेदार चटपटेदार जो कि आप तक ये माशाल्लाह पहुंच रहा है, और आप लोग गोश्त लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर ये तैयार हो रहा है। जी हम मौजूद हैं तारिक रोड हनफिया मीट मास्टर पर, और हम आपकी बात करवाते हैं सादिक इलाही जो कि ऑनर हैं हनफिया मीट मास्टर के। सुना है 132 सालों से ये इदारा, ये मरकज़, ये मीट मास्टर हनफिया मीट मास्टर आवाम की खिदमत कर रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सादिक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़ोरों शोर है माशाल्लाह। जी बस ये कुर्बानी का एक मौका ऐसा होता है, एक तो सुन्नत इब्राहिमी भी होती है, दूसरा लोगों को इसमें कहते हैं कि हमारा अपना गोश्त आम तौर के ऊपर तो आदमी नहीं कर सकता, लेकिन बकरीद के मौके पर ऐसा होता है कि वही टिक के बोटी बनवा ली, हंडर भी बनवा लिया, चटपटी रान बनवा ली, कि एक टेस्ट चेंज होता है, तो इसके लिए हम हंडर भी और चटपटी रान बनाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये पहले दिन से, पहले रोज़ से, या इससे मतलब चांदरात से आपके पास ऑर्डर बुक होना शुरू हो जाते हैं? जी जी, हमारे जो मोहतरम बोरा हजरात हैं, हमारे भाई ब्रादर, उनकी जो ईद होती है उस पर हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं पीस। उसके बाद जो है ना ईद के पहले दिन से हमारा शुरू, जैसे हमारी ईद के पहले दिन का था, आज उसकी डिलीवरी है हमारे यहाँ से। और माशाल्लाह हम देख रहे हैं यहाँ पर SOPs का भी बड़ा अच्छा सा इंतजाम हैं आपने, और तमाम कस्टमर के लिए भी आपने लिखकर लगाया हुआ है कि SOPs का ख्याल रखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना गवर्नमेंट जब हमारे साथ है तो हम उसके साथ है, जिस तरह हो हम साथ साथ इंशाल्लाह खड़े हैं माशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ नासिर साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह SOPs के दायरे में रहकर आवाम को भी हिदायत दे रहे हैं इस चीज़ का, और माशाल्लाह जो गोश्त आ रहा है उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ईद कुर्बान है, और माशाल्लाह बड़ा ज़ोर शोर नज़र आ रहा है हनफिया मीट मास्टर पर, तो इसकी क्या कोई ख़ास वजह? माशाल्लाह से अल्लाह पाक बरकत दे, हमारे यहाँ बड़ा साफ़ सुथरा गोश्त आता है, और इसके साथ हमारे यहाँ जो जायका और लजीज जो मशहूर है 1889 से शिमला से ये चलता हुआ आ रहा है, और ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है हंटर बीफ की, और बड़ी मशहूर है, एक लोग अरसे से ये खाते आ रहे हैं, और माशाल्लाह मसालेदार हमारे पास चटपटी रान भी बनाई जा रही है इस साल, तो इस वजह से लोगों ने टेस्ट चेक किया हुआ है, साफ़ सुथरा काम है, अच्छा काम है, और टेस्टी भी होता है, तो इस वजह से लोग साल साल से हमारे पास आते जा रहे हैं। माशाल्लाह पहले दिन से आपके पास ज़ोरों शोर है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास से जो है ना ईद के पहले दिन से लेकर माशाल्लाह पूरा महीना ये काम चलता रहता है। बहुत शुक्रिया जनाब।